खोड़ा थाना के अंतर्गत एनसीआर क्षेत्र में मोटरसाइकिल, दो पहिया वाहन, स्कूटर चोर व लूट करने वाले अंतर्राज्य गैंग के 5 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार किए गए, जिनसे चोरी की लूट हुई। 16 मोटरसाइकिल, 2 स्कूटी बरामद की गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कुशल निदेशक ने पुलिस अधीक्षक नगर में सहायक पुलिस अधीक्षक एवं प्रभारी निरीक्षक खोड़ा गाजियाबाद के नेतृत्व में वाहन चोरों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान की सक्रियता उस समय महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई जब खोड़ा से पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान 5 शातिर अपराधियों की चोरी की 16 मोटरसाइकिल, स्कूटी सहित गिरफ्तार किया गया। 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, क्या आरोप है उनके पर और वारदात को कैसे अंजाम दिया करते थे? ये थाना खोड़ा की टीम को आज एक अच्छी सफलता मिली है। क्षेत्राधिकारी नेतृत्व में वाहन चोरी पर अंकुश लगाने के लिए टीम हमारी काम कर रही थी, तो कल रात्रि में इनको गिरफ्तार किया गया है और पूछताछ से पता लगा कि इनके द्वारा वाहन चोरी का काम पिछले कई वर्षों से किया जा रहा है। चूँकि ये दिल्ली और गाजियाबाद का बॉर्डर है, जैसा कि आप जानते हैं, मोतिया से ज़्यादातर लोग दिल्ली के रहने वाले हैं। एक बकायद में बिजनौर का है जो अस्थायी तौर पर यहाँ रह रहा था। इनके कब्जे से इनकी निशानदेही पे 16 मोटरसाइकिलें और 2 स्कूटी बरामद हुई। पूछताछ से ये भी ज्ञात हुआ कि ये शौक पूरा करने के लिए, घूमने के लिए और पॉकेट मनी के लिए, खर्चे के लिए ये लोग गाड़ियाँ चोरी करते थे। 4,000-5,000 रुपये में जैसे ये ग्राहक पाते थे वैसे गाड़ियाँ भेज देते और पटवा देते थे। हम लोग और गहन पूछताछ कर रहे हैं। जो भी 18 गाड़ियाँ हमारी बरामद हुई हैं इनके पास से, उसमें से कई 9 गाड़ियाँ ऐसी हैं जिनको हम लोगों ने ट्रेस कर लिया है, कहाँ से कब चोरी की गई हैं, कनेक्ट हो गई हैं। बाकी गाड़ियों की तलाश हम लोग जारी है कि ये कहाँ से कब चोरी हुई हैं, क्योंकि इन्होंने काफ़ी नंबर उसमें से मिटा दिए हैं, डैमेज कर दिए हैं, इनके नंबर वगैरह, उसका हम लोग मिलान करवा रहे हैं। जल्दी से जल्दी हम लोग और निरोधात्मक कार्रवाई पूरी करें।